नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और केळकर तोरणकर साइकेट्री नर्सिंग होम घुड़मंदर ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज ये वीडियो खास मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग साइकेट्री के ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनके रिलेटिव्स के लिए है जो इनके साथ रहते हैं या फिर इनके ट्रीटमेंट प्रोसेस पे इनके साथ है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जो भी लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं वो साइकेट्रिस्ट पूरी हिस्ट्री लेने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद कुछ मेडिसिंस लिख के देता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें, सजेशंस, इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो पेशेंट्स ने और उनके रिलेटिव्स ने फॉलो करने चाहिए। अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है? नंबर वन, पेशेंट्स जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्होंने रेगुलर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसी ट्रीटमेंट दी है वैसी ही लेनी चाहिए, डोजेस स्किप नहीं करने चाहिए। दूसरा यानी कि जो ट्रीटमेंट जैसी दवाइयाँ दी है उसी हिसाब से लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं या कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं कि जो मेडिसिन से फ़र्क पड़ रहा है वो कंटिन्यू रखते हैं, जो मेडिसिन उनको लगता है नहीं नहीं ये नहीं जम रही है वो बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा यानी जो भी बताया है, जैसे हम रोज सांस लेते हैं वैसे ही हमें ट्रीटमेंट लेनी है। चौथा, जैसा कोर्स है वैसा ही कोर्स कंप्लीट करना है। ऐसा वो बताते हैं साइकेट्रिस्ट कि ये 6 से 8 महीने का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, जैसा भी है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो मेडिसिन है वो बताते हैं कि आपको मेडिसिन का इफेक्ट इमिडिएटली नहीं आएगा। किसी किसी को 8-10 दिन में, 15 दिन में, महीने में इफेक्ट आता है तो ये बताया जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-3 दिन लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ा, बंद कर देते हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं कि जो कोर्स है उसके हिसाब से लेते नहीं हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो वो समझते हैं कि अभी साइड इफ़ेक्ट हो गया, अभी ये ट्रीटमेंट हमको नहीं जम रहा है, सो स्टॉप द ट्रीटमेंट, और वो स्टॉप कर देते हैं ट्रीटमेंट। वो वापस साइकेट्रिस्ट के पास जाते भी नहीं है कि मुझे नहीं जम रहा है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आखिर में क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, ये पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा ये इसलिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं डॉक्टर से कि ये जैसे मैंने बोला कि ट्रीटमेंट प्रॉपर लेनी है, डोजेस स्किप नहीं करना है, प्रॉपर फॉलोअप देना है, उसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट्स हो तो रिपोर्ट करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम लगा तो आप आपके साइकेट्रिस्ट के पास रिपोर्ट कीजिए। ये सब हम इंस्ट्रक्शन साइकेट्रिस्ट देते हैं। अब इसमें गलतियाँ क्या होती है, मिस्टेक्स क्या होती है जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं उनसे? एक तो फर्स्ट ये है कि ट्रीटमेंट रेगुलरली नहीं जाती। एक तो डोजेस स्किप किए जाते हैं या फिर अल्टरनेट लिए जाते हैं या फिर सुबह का लिया, रात का लिया ही नहीं। उसमें क्या होता है कि किसी किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है और फिर वो आता है डॉक्टर्स पे कि डॉक्टर साहब हम गोलियां ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसमें जो हिडन होता है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जा ही नहीं रही है। दूसरा यानी अगर डॉक्टर बोलते हैं कि 10 दिन का दवाई पूरा लो और उसके बाद दिखाने आइए, तो हम लोग क्या करते हैं या पेशेंट्स क्या करते हैं कि 10 दिन का दवाई लेते हैं, अच्छा लगा, बंद कर दिया, फिर जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास कि क्यों जाना, अभी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब ने बोला है आपको कि आप ये रेगुलर फॉलोअप दो, ये कोर्स है कंप्लीट करो, तो हमने करना चाहिए। और फिर क्या होता है कि कुछ लोगों को 5-6 दिन बाद, कुछ लोगों को महीने भर बाद या 3-4 महीने बाद या साल भर बाद वापस प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और वो साइकेट्रिस्ट के पास आके बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, मुझे तो वैसे ही वापस प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने 10 दिन दवाई ली थी। लेकिन ये ऐसा नहीं है। जब आप ट्रीटमेंट ले रहे थे आप अच्छे हो चुके थे ट्रीटमेंट पे, लेकिन आपने बंद कर दिया इसलिए आपको तकलीफ शुरू हो गई। इसका मतलब ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें तीसरा है कि स्किप करते हैं डोजेस।
यानी समझो एक महीना मेडिसिन लिया, फिर दो तीन दिन खुद ही बंद करके देख लिया कि अभी तो ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं है ठीक तो वापस जब डॉक्टर के पास आते हैं तो बोलते हैं, क्या डॉक्टर साहब, हमने महीना भर ट्रीटमेंट लिया, हम अच्छे थे, फिर हमने दवाई बंद कर दी। नहीं, दवाई बंद कर दी ये बोलते ही नहीं है, बोलते हैं कि महीना भर दवाई लिया लेकिन अभी दवाई जब नहीं ले पाए या ख़त्म हो गई या फिर ऐसे, तो हमको वापस प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अब ये जो हो रहा है तो ये इसका मतलब हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मेडिसिन पे हैं तो आपको फ़र्क पड़ रहा है, आप स्किप डोजेस किए हो इसलिए आपको वो तकलीफ़ हो रही है। अब आप बताइए कि अगर आप चार प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं और उसमें से अगर आपने चारों की चारों दवाई दिन में ली नहीं तो आपको तकलीफ़ होना बहुत नॉर्मल है। उसे विड्रॉल कहा जाता है कि एकदम से आपने दवाई बंद कर दी तो ब्रेन को वो जो मिल रहा है वो मिला ही नहीं दवाई और वो तकलीफ़ शुरू हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है, रिस्पॉन्ड बॉडी नहीं कर रही है, ऐसा मतलब नहीं होता है। उसके साथ साथ काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो फॉलोअप देते नहीं हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा स्किप हो गया मेडिसिन या फिर ख़त्म हो गया, हम बाहर गाँव चले गए। तो इसके हिसाब से फिर आपने ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि आप अगर बाहर गाँव जा रहे हैं तो आपके साथ दवाई जाए, यानी आपकी डोजेस स्किप ना हो या ख़त्म हो गए तो आपको तकलीफ ना हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट्स के साथ तो ये ना हो, इसलिए पेशेंट्स ने ठीक से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, जैसा बोला है वैसा ही करना चाहिए, यानी इससे प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो ये पेशेंट्स ने अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ अब रिलेटिव्स ने ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, अगर रिलेटिव्स है जिनको पता है कि ये मेडिसिंस जो है ये ज़रूरी है, अगर साइकेट्रिस्ट ने बोला गया है कि ऐसा ही कोर्स कंप्लीट कीजिए तो उसके हिसाब से कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। रिलेटिव्स ने ध्यान देना चाहिए कि मेडिसिंस ठीक से जा रहे हैं, वो वैसा ही डोज ले रहा है जैसे वो बताया गया है, वो डोजेस स्किप नहीं कर रहा है, अगर दवाई ख़त्म हुई है तो प्रॉपर फॉलोअप दीजिए साइकेट्रिस्ट को, अगर उन्होंने जैसी ट्रीटमेंट बोली है वो वैसी ही ट्रीटमेंट करवाइए, अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो आप डॉक्टर से जाके मिलिए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें उस पेशेंट को समझ ही नहीं आता कि अपने को प्रॉब्लम है और वो क्या करते हैं, वो दवाइयां ही नहीं लेते हैं। रिलेटिव्स को लगता है वो दवाइयां ले रहे हैं क्योंकि वो झूठ बोलते हैं कि हाँ आपने बोला मैं दवाई ले रहा हूँ या ले रही हूँ, लेकिन वो लेते ही नहीं हैं। और फिर जब साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं तो वही वो पेशेंट्स झूठी बोलते हैं कि हम दवाई ले रहे हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट को ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आता है कि ये दवाई एक तो ठीक से जा नहीं रही है या ले ही नहीं रहे या स्किप हो रही है। अब ऐसा अगर हमने रिलेटिव्स को बोला तो रिलेटिव्स बोलते हैं कि नहीं उसे समझना चाहिए, अब हम रोज़ काम करें कि इसके पीछे दवाई के लिए पड़े रहे, हम उसको बोलते हैं वो बोलता है लिया दवाई, लेकिन रिलेटिव्स को पता ही नहीं होता है कि वो दवाई गया है कि नहीं गया है। तो इसलिए अब इसमें रिलेटिव्स का काम ये है कि वो प्रॉपर देखना कि पेट में ही दवाई जा रही है। कुछ लोग नाटक करते हैं कुछ पेशेंट्स और वो बाहर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं, दवाई लेते ही नहीं है। तो ऐसे ये सब चीज़ें हैं जो रिलेटिव्स ने फॉलो करने चाहिए। इस पूरे वीडियो का उद्देश्य यही था कि रिलेटिव्स या जो भी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं साइकेट्री की, उनको एजुकेशन मिले कि ट्रीटमेंट क्या फॉलो, कैसी फॉलो करनी है और क्यों फॉलो करनी है, और जो गलत फहमी है पेशेंट्स को कि नहीं ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ा, ट्रीटमेंट कोई काम नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट काम करता है, ट्रीटमेंट जैसा चाहिए वैसा ही काम करता है, लेकिन फॉलोअप साइकेट्रिस्ट से कंटिन्यूस फॉलोअप्स देना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को आप अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक जाने के लिए मदद कीजिए। इन सभी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ उनका यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट से लाभ हो। धन्यवाद।